आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। गुलियाखाप चौरासी का शक्ति वाहन किसान आंदोलन में लोगों के लिए केंद्र बना हुआ, क्योंकि आकर्षण का केंद्र यह अद्भुत ट्रैक्टर है और इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंच रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं और फोटो ले रहे हैं। इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने के लिए 7 महीने लगे। यह हरियाणा में मॉडिफाई हुआ है, पंजाब में हुआ है और इसमें पूरी व्यवस्था है, बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है और देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से जो धरती उत्तर का जो ट्रैक्टर है वह मॉडिफाई कर और एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से यह ट्रैक्टर युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या नाम थी आपका? हितेश गुलिया। हितेश जी, यह किस प्रकार से जो गुलिया खाप का यह वाहन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, इसमें किस प्रकार से इसे मॉडिफाई करवाया गया? ये हमारे गुलिया खाप की सरदारी का एक पहचान चिन्ह है। कल जब हम पहले तो एक हमने पहले भी रैली निकाली थी तो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में इसके चर्चे चल रहे हैं, पूरे भारत में ऐसा ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। और कल भी जब हमने अपना प्रदर्शन के साथ हमने अपने आप को इस आंदोलन में अपने आप को समर्पित किया और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे आगे जाम ट्रैफिक का नहीं लगा हुआ था बल्कि जाम लोगों ने लगाया हुआ था। लोग इतनी मात्रा में इस ट्रैक्टर के देखने के लिए खड़े हुए थे कि एक ऐसा ट्रैक्टर उन्होंने, एक भाई जैसे मैंने कहते हुए सुना, अरे भाई रास्ता हटा दे, कभी ट्रैक्टर नहीं देखा, तो कहता कि भाई ट्रैक्टर नहीं देखा तभी तो देख रहा हूँ, ऐसा ट्रैक्टर नहीं देखा। तो एक ये गुलिया खाप की हमारी शान है, बड़ी मेहनत करके हमारे जो प्रधान जी है सुनील प्रधान जी, काफ़ी संघर्ष के साथ बड़ा दूर दूर तक घूम के एक एक चीज़ जो इसमें लगी हुई है वो बड़ी ऐतिहासिक है। तो जैसे राजस्थान के जो राजे रजवाड़े हैं उनकी तलवारें इसमें लगी हुई हैं और पंजाब के जो बड़े बड़े नामी जो ट्रैक्टर का काम करते हैं वहाँ से इसके ट्रैक्टर का बहुत सारा काम कराया। और जिस क्रांतिकारी जैसे ये क्रांतिकारी जिस शक्ति के साथ ये ट्रैक्टर यहाँ आया है उसी क्रांतिकारी शक्ति के साथ गुलिया खाप इस आंदोलन में अपना समर्पित होकर साथ देती रहेगी और जब तक ये सरकार गोड्डे नहीं टेक देती हम उल्टे को ना मुड़न के। इसको मॉडिफाई करवाने में लगभग कितना खर्चा लगा होगा? क्या वो कहते हैं ना, शौक की कोई कीमत नहीं होती। अब कोई 5,000 का भी सामान लगवाना था तो उस पर हमने 10,000 का तो पेट्रोल खर्च दिया, क्योंकि दूर दूर तक कभी राजस्थान गया कभी पंजाब गया तो कई चक्कर पंजाब के लग गए। तो शौक की चीज़ है ये, हमारे गुलिया खाप की शान की चीज़ है, इसकी हम कोई कीमत नहीं आंकते, ये बेशकीमती चीज़ है हमारे लिए। ये हमारे साथ युवा थे, गुलिया खाप के युवा थे, उनका कहना है कि इस ट्रैक्टर की कोई कीमत नहीं हो सकती क्योंकि यह शौक है गुलिया खाप का, इसको बनवाने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, दूर दूर से इसके जो पार्ट है वह लेकर आए हैं और उसी का नतीजा है कि आज यह ट्रैक्टर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लोग इसे दूर दूर से देखने आ रहे हैं। हम आपके नए दर्शकों को भी इस ट्रैक्टर की विशेषताएँ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यह ट्रैक्टर जो अलग है, खेतों में चलने वाला जो ट्रैक्टर है आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हो और गुलिया खाप का यह शक्ति वाहन है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाया गया है। हम अपने दर्शकों को इसकी हर एक चीज से अवगत कराते हैं किस प्रकार से इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाने में काफी मेहनत, क्योंकि सबसे पहले हम आपको ट्रैक्टर के टायर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो आगे एक टायर लगता है इसमें अलग से 2 टायर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रैक्टर को करोड़ों रुपए लगाकर इसे मॉडिफाई करवाया गया है और इसे मॉडिफाई करवाने के लिए पूरे 7 महीने लगे हैं और यह गुलिया खाप की आन बान और शान है। और जब भी कोई प्रदर्शन होता है या कोई बड़ी सभा होती है उसमें इस ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह आगे ट्रैक्टर इसमें पूरी सुविधाओं से लैस है यह ट्रैक्टर। और इसके बाद जो पंचायतों में इस पर सवार होकर लोग जाते हैं, जो गुलिया खाप के प्रधान हैं सुनील गुलिया जी अगली सीट पर बैठते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि उसके पीछे जो अन्य जो खाप के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हम अपने दर्शकों को इस ट्रैक्टर की पूरी विशेषताएं दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुलिया खाप द्वारा यह ट्रैक्टर
को मॉडिफाई करवाया है और अपने शक्ति वाहन के साथ इसे यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुलिया खाप द्वारा इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई 7 महीने लगे हैं और इस वाहन की कोई भी कीमत नहीं आंकली जा सकती, क्योंकि गुलिया खाप के युवाओं का कहना है कि यह गुलिया खाप की आन बान और शान है। इसके लिए हमने कोई पैसे की कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि शौक का कोई पैसे नहीं होते, शौक ही है। शौक के आधार पर हमने इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है और जो खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर है आज इस आंदोलन में जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, वह भी यहाँ पर इसके ऊपर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, युवा हैं, युवा भी फोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस यह ट्रैक्टर पूरे आंदोलन में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ पर आकर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यह ट्रैक्टर पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुलिया खाप का कहना है कि यह गुलिया खाप के लिए आन बान और शान है। यह गुलिया खाप इसी पर सवार होकर हर एक प्रदर्शन में, हर एक पंचायत में भाग लेती है और आज भी टीकरी बॉर्डर पर इसी पर सवार होकर गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया जी सवार होकर यहां पहुंचे हैं और जैसे ही यह ट्रैक्टर टीकरी बॉर्डर की सीमा में प्रवेश किया, इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और किसानों द्वारा इस पर बैठकर सेल्फी खिंचवाई जा रही है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। खबर फास्ट के लिए टीकरी बॉर्डर से अपने सहयोगी रिंकू के साथ ललित कुमार।